दोस्तों आज हम उस मंदिर की बात करेंगे जहाँ की जाती है योनि की पूजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, योनि की पूजा। उस मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। जी हाँ, उसके कुछ रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ कार्य धर्म का काम नहीं कर सकती, लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पीरियड के समय भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं। इस मंदिर का नाम कामाख्या शक्तिपीठ है। ये मंदिर है जहाँ पर देवी की महावीर में सबसे पूजा की जाती है, यानी कि महिलाएं मासिक दिनों में भी जा सकती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के साथ मां शक्ति को काट दिया था। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक जहां जहां सती के अंग या धारण किए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहां पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तीर्थ स्थल पर देवी सती की योनि भाग की पूजा की जाती है। जब यहाँ पर कोई भी देवी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिस पर लाल रंग के गेरुई की धारी गिराई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया जाता है अनोखा प्रसाद। जी हाँ, दरअसल यहाँ 3 दिन तक मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माँ सती के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माँ सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना गया है। इस मंदिर को अम्बुवाची कपड़ा कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।